नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित NGS में। अच्छा, 6 की गणित लगा रहे हैं दोस्तों हम। प्रश्नावली संख्या 11.4 NCERT किताब का देखते हैं दूसरा प्रश्न। कह रहा है व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलिए। उदाहरणार्थ एक क्रिकेट मैच में सलीम ने आर रन बनाए दोस्तों, आर, और नलिन ने R+15 रन बनाए। तो इस दोस्तों व्यंजक का क्या मतलब है? इस व्यंजक का मतलब है साधारण भाषा में कि नलिन ने सलीम से 15 रन अधिक बनाए, है ना दोस्तों? नलिन ने सलीम से 15 रन अधिक बनाए। यहाँ आर है, यहाँ R+15 है। अगर आप घटाएंगे भी दोस्तों दोनों में, R+15 में से आर घटाएंगे तो आर आर 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा 15। इतना रन का अंतर है दोनों में, 15 रन का। और किसका अधिक है? ये नलिन का अधिक है, देखा रहा है दोस्तों, R+15 है, नलिन ने 15 रन अधिक बनाया। तो वही दोस्तों कह रहा है, नलिन ने सलीम से 15 रन अधिक बनाए, और हमें इन्हें भी साधारण भाषा में इसको चेंज करना है। कह रहा है एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ₹P है और एक पुस्तक का मूल्य ₹3P है। साधारण भाषा में ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कि पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का मूल्य कॉमा लगा देते हैं हम, अभ्यास पुस्तिका से अभ्यास पुस्तिका के मूल्य से अभ्यास पुस्तिका यहाँ पर के मूल्य से 3 गुना अधिक, 3 गुना अधिक, 3 गुना ही तो हुआ ना दोस्तों। ये दोस्तों ₹P का है अभ्यास पुस्तिका, और जो पुस्तक है दोस्तों ₹3 है, 3 गुना है दोस्तों। तो पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य से 3 गुना अधिक है, या 3 गुना है, अधिक भी नहीं, 3 गुना कह देते हैं इसे, है ना दोस्तों? अधिक भी लिखना ठीक नहीं रहेगा, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना है। दूसरा क्या है दोस्तों? कह रहा है टोनी ने मेज पर क्यू कंचे रखे, उसके पास डब्बे में 8 क्यू कंचे हैं। इसको दोस्तों किस प्रकार लिखें? इसको ऐसा लिख सकते हैं कि टोनी के पास जितने कंचे हैं, टोनी के पास जितने कंचे हैं उसके डब्बे में, उसके डब्बे में, डब्बे में 8 गुना कंचे, उसके डब्बे में 8 गुना कंचे हैं, ठीक है दोस्तों? आप समझ पा रहे हैं? ये लैंग्वेज थोड़ा आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर सेंस वही आना चाहिए दोस्तों। टोनी के पास जितने कंचे हैं उसके डब्बे में उस कंचे के 8 गुना अधिक कंचे, उसके डब्बे में 8 गुना कंचे हैं, ठीक है दोस्तों? अगला बनाते हैं, सी सी बनाते हैं। क्या कह रहा है सी? कह रहा है हमारी कक्षा में n विद्यार्थी हैं और स्कूल में 20 n विद्यार्थी हैं। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? स्कूल में हमारी कक्षा के स्कूल में हमारी कक्षा के 20 गुना अधिक विद्यार्थी हैं। अधिक, अगर अधिक लिखना सही है, नहीं है दोस्तों यहाँ पे,
सीधे सीधे 20 गुना ही लिखना नहीं है, है ना? क्या हो जाएगा? 20 गुना विद्यार्थी, 20 गुना विद्यार्थी हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारे 2 बच गए हैं अभी। डी है, डी क्या कह रहा है दोस्तों? डी कह रहा है जग्गू की आयु जेड वर्ष है और उसके चाचा की आयु 4 जेड वर्ष है। जग्गू की आयु 2 है, जेड वर्ष है, उसके चाचा की आयु उसकी 4 गुना है और उसकी चाची की आयु 4z-3 वर्ष है। यहाँ दोस्तों ऊपर लिख लेते हैं डी, क्या कह रहा है दोस्तों? जग्गू, जग्गू के चाचा की आयु, जग्गू, जग्गू के आयु की, जग्गू की आयु की 4 गुना है ना दोस्तों? ये तो चाचा की आ गई और फिर उसके बाद जग्गू के चाची की आयु, चाची की आयु ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। हम चाचा के हम निकाल ही चुके हैं, हम देख रहे हैं कि 4z आई है चाचा की और चाची की जो है 4z-3 है, तो ऐसे लिख देते हैं दोस्तों। चाची की आयु चाचा के आयु से, आयु से 3 वर्ष कम है, 3 वर्ष कम है। ठीक है दोस्तों, बन गया हमारा, आखिरी है हमारा प्रश्न, आखिरी प्रश्न है हमारा। कह रहा है बिंदु और डॉट्स की व्यवस्था से 8 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु है। ये वाला दोस्तों ई, ई वाला बना रहे हैं। कह रहा है डॉट्स की एक व्यवस्था में 8 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु, इसको हमें शब्दम बनाना है दोस्तों। प्रत्येक पंक्ति में स्थित 5 बिंदुओं की 8 पंक्तियां हैं, 8 पंक्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु और कुल 8 पंक्तियां। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।